हाय फ्रेंड्स, सैम गगन वेबसलो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप एलिमेंटर के साथ ब्यूटीफुली पॉपअप बना सकते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। सो इस वीडियो के अंदर हम एलिमेंटर का यूज़ करके इस डायनेमिक पॉपअप्स को बनाना सीखेंगे। आप में से बहुत सारे यूज़र होंगे जो अलग अलग प्लगइन्स का यूज़ करते होंगे वर्डप्रेस के अंदर पॉपअप को बनाने के लिए, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डायनेमिक पॉपअप कैसे बनाए जाते हैं, उनके रूल्स एंड ट्रिगर कैसे सेट किए जाते हैं और एलिमेंटर के साथ आप अलग अलग तरीके से पॉपअप कैसे बना सकते हो। इस वीडियो के ऊपर हम डीपली बात करेंगे, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ से मैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर आ चुका हूँ, तो इस वेबसाइट के अंदर हम पॉपअप बनाना सीखेंगे। तो याद रखिए, आपके पास यहाँ से एलिमेंटर का प्रो वर्जन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप डायनेमिक पॉपअप बनाना चाहते हो एलिमेंटर के साथ। सो मैंने यहाँ से अपने एलिमेंटर प्रो को यहाँ से इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है, तो बी श्योर आपको भी अपना एलिमेंटर प्रो का ही यूज़ करना है पॉपअप अगर आप बनाना चाहते हो एलिमेंटर के साथ। सो उसके बाद क्या स्टेप है, जब आप एलिमेंटर प्रो और एलिमेंटर के फ्री वर्जन को इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको यहाँ से टेम्पलेट के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ से न्यू टैब के अंदर इस टेम्पलेट वाली टैब को ओपन कर लूँगा। यहाँ से आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो जब आप इसको ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे ही डायनेमिक यहाँ से वो लैंडिंग टेम्पलेट आ जाएंगे जो एलिमेंटर प्रो आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें से आपको यहाँ से पॉपअप यूज़ करना है और इस पॉपअप का कोई भी नेम दे सकते हो कस्टम, और इसको आप छोड़ भी सकते हो। चलिए इसको हम नेम दे देते हैं। मैं यहाँ से इसको नेम देता हूँ होम पॉपअप, क्योंकि मुझे सिर्फ ये होम पेज के लिए बनाना है। तो इसके बाद इसको मैं क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक कर दूंगा। सो दोस्तों, जब आप क्रिएट पॉपअप के ऊपर यहाँ से क्लिक करोगे तो आपके सामने एलिमेंटर प्रो आपको यहाँ से अलग अलग टेम्पलेट पहले ही दे देता है जिसमें आप बने बनाए पॉपअप उनके यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये हमारे पास सामने सबसे पहला पॉपअप आ रहा है। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग पॉपअप दे रखे हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स है या फिर कोई डायनेमिक वेबसाइट है, उस कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी अगर पॉपअप आपको लगता है कि वैसा ही डिज़ाइन चाहिए तो आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हो। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आपको स्क्रैच से पॉपअप बनाना सिखाऊंगा कि हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ से मैंने एलिमेंटर की थीम को थोड़ा सा डार्क कर लिया है, आपको थोड़ा सा भी व्यू इसका चेंज आएगा नज़र। तो चलिए बात करते हैं पॉपअप बनाने के ऊपर, आप कैसे स्क्रैच से पॉपअप बना सकते हो। तो पॉपअप बनाना काफ़ी इजी है, जैसे हम एलिमेंटर का यूजली यूज़ करते हैं वैसे ही आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से एक सेक्शन ले लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर दूंगा। तो मेरे सामने यहाँ से दो कॉलम आ गए हैं। तो ये डिज़ाइन आपको देखना होगा कि आप कैसा बनाना चाहते हो। मैं अपनी तरफ से आपको सिर्फ इसका इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ डिज़ाइनिंग का। तो चलिए फिलहाल मैं चाहता हूँ कि एक तरफ हमारा यहाँ से इमेज रहना चाहिए, दूसरी तरफ यहाँ से मैं कंटेंट का यूज़ करूँगा और फॉर्म्स का यूज़ करूँगा जो कि नॉर्मली पॉपअप्स के अंदर होता है, जैसे कि न्यूज़लेटर पॉपअप होते हैं, तो हम भी वैसे ही करते हैं। तो उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम को हम यहाँ से स्टाइल के अंदर चलते हैं, इसकी बैकग्राउंड इमेज के अंदर चलेंगे। तो मैं यहाँ से कोई मीडिया के इसे कोई इमेज ले लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से मैं इस इमेज का यूज़ कर लेता हूँ, ये हमारी थीम के साथ भी मैच कर रही है, तो इसको मैं यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा। तो आप देखोगे हमारी यहाँ से इमेज आ चुकी है, क्योंकि हमारे राइट साइड पे कोई कंटेंट नहीं है तो हमें इसको थोड़ी सी हाइट अगर दोगे तभी आपको अच्छे से नजर आएगी। फिलहाल इसकी मैं बेसिक सेटिंग कर देता हूँ, जो कि बैकग्राउंड की बेसिक सेटिंग होती है। ये देखिए, आपको कुछ इमेज यहाँ से अच्छे से नजर आएगी और यहाँ फिर आप फिर यहाँ से प्रीव्यू में भी देख सकते हैं उसको। तो चलिए, ये तो हमारी लेफ्ट साइड का कंटेंट हो गया जिसमें हमने बैकग्राउंड इमेज का यूज़ किया। अभी हम लगाएंगे यहाँ से राइट साइड पर कंटेंट लगाना शुरू करेंगे। तो राइट साइड का हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम है इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ताकि हमारा जो कंटेंट आएगा वो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से कुछ लोगों का यूज़ करूँगा, कुछ कंटेंट का यूज़ करना चाहता हूँ। तो लोगो लगाने के लिए मैं यहाँ से इमेज को ड्रैग कर देता हूँ। याद रखिए, अगर आप अपनी वेबसाइट का मेन लोगो लगाना चाहते हो तो एलिमेंटर अगर आप प्रो का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से साइट लोगो करके भी उनका एक एलिमेंट आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। उसका आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर आप यहाँ से डायनेमिक लोगो लगाओगे और डायनेमिक एलिमेंट लोगो का यूज़ करोगे तो आपका लोगो जब भी चेंज होगा तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा, तो ये आपके ऊपर है। तो चलिए, मैंने जो इमेज ली है मैं डायरेक्टली यहाँ से उसके अंदर अपना लोगो ड्रैग कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा इस पर जाऊँगा मीडिया के अंदर, तो यहाँ से मैंने लोगो ऑलरेडी लगा रखा है, इसके अंदर ऐड कर रखा है, इसको मैं यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि कितना आप लोगों का रखना चाहते हो। देखिए, मैंने फुल कर रहा है तो इतना साइज आ रहा है, इसको और छोटा करना चाहते हो तो आप और छोटा कर सकते हो। तो चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हेडिंग ले लेते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से हेडिंग को यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ, या फिर दोस्तों काम करते हैं, ये नॉर्मल हेडिंग है, इसको मैं डिलीट करूँगा। एक यहाँ से एलिमेंट को मुझे फाइंड करना है एडवांस हेडिंग करके, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए, एडवांस हेडिंग के अंदर मुझे 2 से 3 हेडिंग लिखने का यहाँ से ऑप्शन मिलता है, जो कि एक तरह की क्रिएटिविटी के लिए हमारे लिए काम करेगी। तो चलिए हम उसका ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से सब हेडिंग देंगे और यहाँ से हम लिख देते हैं ज्वाइनस।
क्योंकि हम यहाँ से न्यूज़लेटर के लिए कंटेंट को रेडी कर रहे हैं, तो मैं वैसा ही कंटेंट यहाँ से लिखूँगा। और उसके अलावा जो पीछे से इसका आ रहा है एडवांस हेडिंग, मुझे इसको डिलीट करना है, लेकिन यहाँ से मुझे ये चाहिए, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ गेट लेटेस्ट अपडेट, तो इसको भी यहाँ से ऐसे लिख सकते हो। और उसके अलावा यहाँ से एक फॉर्म भी हमें चाहिए, तो चलिए फॉर्म लगाने के लिए प्रॉबली क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट के अंदर जब आप उसके वेबसाइट के अंदर एंटर करते हो और जब वो पॉपअप आता है, तो कोई भी आपका वेबसाइट ओनर होता है वो चाहता है कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, उसकी ईमेल लेना चाहता है जो मेनली टारगेट होता है। तो हम इस पे इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आपको मेलचिम का हमेशा फॉर्म यूज़ करना चाहिए, जिससे वो आपकी कोई भी यूज़र आएगा आपको वो ईमेल दे देगा और आपकी वो ईमेल लिस्ट के अंदर, वो लिस्ट में ईमेल आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब इस पे आप यहाँ से सर्च करोगे मेलचिम का, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ से नज़र आएंगे। मेरे सामने इतने सारे मेलचिम के ऑप्शन इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैं एलिमेंटर प्रो का यूज़ कर रहा हूँ, और एलिमेंटर पैक करके एक प्लगइन है ऐड ऑन एलिमेंटर का, उसके कारण मुझे ये बहुत सारे एलिमेंटर प्रोवाइड कर देता है, तो मुझे मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो चलिए फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले एलिमेंट का यूज़ कर लेता हूँ। तो जब इसको मैं ड्रैग करूँगा तो आप देखोगे मेरे सामने एक फॉर्म आ चुका है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जो भी एलिमेंटर के एलिमेंट्स होते हैं उसमें से मेलचिम वो वाला यूज़ कीजिए, जिससे आपका कनेक्शन बन सके। क्योंकि बहुत सारे मैंने इस पे एलिमेंटर को ट्राई किया था एलिमेंट्स को, जिसके अंदर मुझे यहाँ से कनेक्शन बनाने का मेलचिम के साथ कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, जैसे ये वाला है। तो ये सर मैं डिज़ाइनिंग के लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज आपको क्या करना है, अगर आपका मेलचिम का अकाउंट है प्राइमरी डोमेन के ऊपर, तो आपको यहाँ से शॉर्ट कोड यहाँ से फाइंड करना है, शॉर्ट कोड को यहाँ से आपको ड्रैग करना है और अपना मेल चिप का जो शॉर्ट कोड होगा यहाँ से आप उसको डालोगे, आपको बना बनाया एक अच्छे सा फॉर्म मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप शॉर्ट कोड मेल चिप का ले रहे हो तो अपने आप ही हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल हमारा देखिए पॉपअप काफ़ी अच्छे से बन चुका है, इसको आप थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर सकते हो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। देखिए यहाँ से अगर आप कलर देना चाहते हो तो इस तरह से इसको कलर दे सकते हो, इस हेडिंग को अगर आप थोड़ा सा बड़ा कर दोगे इस तरह से तो ये देखने में हमें अच्छा लगेगा। और मैंने सेकंड वाली हेडिंग में जो स्टार्टिंग में मैंने जो पॉपअप बनाया था उसमें मैंने इसको सेकंड वाली हेडिंग को बैकग्राउंड दिया था, तो इसको भी हम वैसा ही कर सकते हैं। तो इसको अगर आप बैकग्राउंड देना चाहते हो तो चलिए इसको भी हम इस तरह से दे देते हैं, चाहे एक काम करते हैं यहाँ से मैं कलर पिक कर लेता हूँ ये वाला, तो ये वाला कलर दे देते हैं इस तरह से। और इसका जो कलर रहेगा उसको हम थोड़ा सा वाइट कर देते हैं इसी तरह से। इसकी पैडिंग अगर आप दे दोगे यहाँ से 20, या इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। और इसका जो साइज आप रख सकते हो थोड़ा सा छोटा करोगे ये देखने में अच्छा लगेगा, ये देखिए। और इसकी पैडिंग के हिसाब से आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ये देखिए अभी ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमारा जो पॉपअप है पहले से तो काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है। तो इसी हिसाब से आप अपनी स्टाइलिंग में डिज़ाइनिंग कर सकते हो, लोगों के साथ, हेडिंग के साथ, और जैसा आप डालना चाहते हो वैसा कर सकते हो। और इसके बाद हम चलेंगे इसके मेलचिम के फॉर्म के ऊपर। और मेलचिम का फॉर्म अगर आप देखिए, मुझे यहाँ से एलिमेंट मिल रहे हैं डिज़ाइनिंग के लिए, आइकन लगाने का मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा है, और विदाउट आइकन जाना चाहता हूँ या विद आइकन, वो मेरे ऊपर है। लेकिन फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मुझे, क्योंकि ये देखने में ऐसा ही अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन आपका जो कंटेंट है यहाँ पर, जिस कॉलम के अंदर आपने कंटेंट डाला है, उसको हम क्या करेंगे, मैं कॉलम को यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से परसेंटेज का यूज़ करूँगा मैं, यहाँ से थोड़ी सी पैडिंग दे दूँगा इसको इस तरह से। इसको थोड़ा सा मैं डिसेबल कर देता हूँ बटन को, तो टॉप से हम दे देते हैं, यहाँ से इसकी पैडिंग ज़्यादा कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। और बॉटम से मैं थोड़ी सी इसको पैडिंग दे दूंगा। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें डिज़ाइनिंग में अपने आप पता लग जाएगी जब आप इसको क्रिएट करोगे। तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो पॉपअप है वो अच्छे से बन चुका है। फिलहाल हमें अभी क्या करना है, ध्यान रखिए जब मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ एक ऐसा बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर मुझे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, कंडीशन का है, ट्रिगर का है, एडवांस रूल्स है। तो फर्स्ट स्टेप था हमने पॉपअप बना लिया, उसके बाद इसको मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कंडीशन की। तो जब आप इसको ऐड कंडीशन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको ये पूछेगा कि आपको इसकी क्या कंडीशन सेट करनी है, यानी कि ये पूछ रहा है कि ये पॉपअप आपको पूरी वेबसाइट के अंदर दिखाना है, मैं चाहता हूँ कि नहीं दिखाना है। तो जो अगर नहीं दिखाना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ से चार ऑप्शन आएंगे, क्योंकि मैं वूकमर्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से एक वूकमर्स का भी कंडीशन दिखा रहा है। तो चलिए फिलहाल तो आपको बहुत सारी नॉर्मल और डायनेमिक वेबसाइट भी यूज़ करते हो तो हमारी कंडीशन मैच कर सकती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ ये सिर्फ सिंगल पेज के ऊपर आए, जो कि हम मोस्टली करते हैं, और सिंगल पेज कौन सा होता है, होम पेज। तो उसके बाद जो सेकेंड कंडीशन बनती है, तो मैं यहाँ से होम पेज को चूज़ करने के लिए दो ऑप्शन है, यहाँ तो मैं पेजेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सीधा होम को यहाँ से फाइंड करके उसके ऊपर कंडीशन को यहाँ से लगा दूंगा। और दूसरा आपको सबसे ईजी वाला क्या करना है, अगर आपने अपनी सेटिंग की रखी है फ्रंट पेज ही आपका होम पेज है, तो मैं क्या कहूँगा
कि ये वाला जो पॉपअप है इसको मेरे फ्रंट पेज पे ही शो करना चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कंडीशन के अंदर आप यहाँ से एक और कंडीशन ऐड कर सकते हो। ये इतनी कंडीशन देने का इनका यही मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि मैं एक तो होम पेज पे इसको सेट कर दूँ, और दूसरा आप चाहते हो कि मैं दूसरा एक स्पेसिफिक पेज को टारगेट करना चाहता हूँ, यानी कि अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि वूकमर्स के सिर्फ मैं सिंगल पेज पे प्रोडक्ट के सिंगल पेज पे मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, तो वो भी कंडीशन आप दे सकते हो। फिलहाल इतना हम डीपली नहीं जाएंगे इस वीडियो के अंदर, आपको आई होप कंडीशन का पता लग गया होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इसका सेकंड टैब आता है ट्रिगर्स का। तो ट्रिगर्स का मतलब क्या होता है कि पॉपअप का किस एक्शन में आना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि ऑन जब मेरा पेज लोड हो तब वो यूज़र को पॉपअप दिखे, या मैं चाहता हूँ कि जब मेरी कोई यूज़र वेबसाइट पे आएगा वो स्क्रॉल करेगा पेज को तब दिखना चाहिए, या फिर अलग अलग तरीके से यहाँ से इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, चाहे फिर आप क्लिकिंग पे एक्शन दिखवा सकते हो। ट्रिगर का मतलब होता है कि एक्शन क्या होगा इस पॉपअप का। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो पॉपअप है वो ऑन लोड पे आना चाहिए, जब भी वेबसाइट लोड होगी और कितने सेकंड में लोड होगी इसके अंदर ये ऑप्शन है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी 0.3 सेकंड्स के अंदर लोड हो तो मेरा पॉपअप आ जाना चाहिए किसी भी यूज़र के सामने। इसके आगे मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो एडवांस रूल्स है मैं पॉपअप टेस्टिंग के बाद आपको उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि इसके अंदर वो कुछ है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेव एंड क्लोज पे मैं क्लिक कर दूंगा। इसको ये अपने आप ही यहाँ से, ये देखिए हमारा जो पॉपअप है अभी वो लाइव हो चुका है। तो चलिए यहाँ से मैं न्यू प्राइवेट विंडो के अंदर आ चुका हूँ, तो यहाँ से इसको हम टेस्ट करते हैं हमारा पॉपअप देखने में कैसा आ रहा है। तो चलिए मैंने इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लिया है, तो इसके लोडिंग का ये 3 सेकेंड लेगा जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये 3 सेकेंड के अंदर मेरा जो पॉपअप है यहाँ से आ चुका है। लेकिन यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जो आपको बताया था कि मैंने एडवांस रूल्स क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, अभी उसका मैं बताता हूँ। चलिए फिलहाल क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं और हम यहाँ से मेन्यू के ऊपर चलेंगे। मैं शॉप पेज के ऊपर चलता हूँ, मैं शॉप पेज के ऊपर आया हूँ। यहाँ से मेरा पॉपअप नहीं आ रहा है, जो कि मेरी कंडीशन है, आई थिंक वो अच्छे से काम कर रही है जो हमने सेट की थी। लेकिन मैं क्या करूँगा, दोबारा होम पेज के अंदर चलते हैं। अभी क्या हुआ, मैं दोबारा होम पेज के अंदर आया हूँ, ये ऑन लोड पे क्या हुआ, मेरा दोबारा पॉपअप आ गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे यूज़र आपका फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, वो बार बार वो पॉपअप नहीं देखना चाहता है। हमारा रूल क्या होता है वेबसाइट ओनर का, सिर्फ पॉपअप को एक बार ही शो करना। तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, फिलहाल इसको मैं यहाँ से क्लोज करूँ। दोबारा मैं एलिमेंटर पेज के अंदर आ गया हूँ, आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना है। अब चलेंगे एडवांस रूल्स के अंदर। सो दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस आप YouTube पे देख लोगे, लेकिन किसी ने इसका मेंशन नहीं किया कि एक ही बार एलिमेंटर के पॉपअप को कैसे दिखाना है किसी भी पेज के अंदर। तो मैं आपको वो वाली चीज़ यहाँ से बता देता हूँ। आपको एडवांस रूल्स के अंदर आना है। एडवांस रूल्स के अंदर आपको यहाँ से 7 से 8 ऑप्शन मिलेंगी, जो कि अलग अलग तरीके से काम करती है। चलिए वन बाई वन उसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले सबसे पहले ऑप्शन आ रही है शो आफ्टर एक्स पेजेस व्यू। इसका मतलब क्या है, अगर इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो ये कंडीशन हमें कह रही है कि मैं 3 पेजेस अगर विजिट करूंगा, अगर कोई यूज़र आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, 3 पेजेस के अंदर जाएगा, दोबारा होम पेज के अंदर आएगा, तब मेरा जाके वो पॉपअप शो होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, तो ये उसके लिए कंडीशन है। इसी तरह से सेशन की इन्होंने कंडीशन बना रखी है। सेशन होपफुली आपको पता होगा अगर आपने PHP पढ़ी है। इसी तरह से ये इन्होंने अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका मैं अगर अलग अलग आपको बताऊंगा तो बहुत सारा टाइम ले लेगा, बहुत कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन आपको पता ही चल रहा है नेम से ही, जैसे शो ऑन डिवाइस, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, डिवाइस आप यहाँ से कंडीशन सेट कर सकते हो, ब्राउजर को कंट्रोल कर सकते हो, उसके अलावा यहाँ से लॉग इन ऑन लॉग आउट यूज़र को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अभी बात करते हैं, अगर आपने एलिमेंटर के अंदर पॉपअप बना लिया है और होम पेज के ऊपर आपने पॉपअप सेट किया है और आप चाहते हो वो पॉपअप सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ से थर्ड ऑप्शन मिलेगी शो अप टू एक्स टाइम्स। इसको आपको यहाँ से ऑन कर, और जब आप इसको ऑन करोगे आपको यहाँ से टाइम्स बता रहा है कि कितनी बारी ये पॉपअप शो होना चाहिए। मैं चाहता हूँ सिर्फ एक बारी शो होना चाहिए। उसके बाद बता रहा है काउंट का, ऑन ऊपर पे या ऑन क्लोज पे, आपको यहाँ से ऑन क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। उसके अलावा कोई सेटिंग नहीं करनी। मैं दोबारा सेव एंड क्लोज के ऊपर यहाँ से क्लिक कर दूंगा। तो चलिए दोबारा इसको प्राइवेट विंडो के ऊपर यहाँ से इसको टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ से इसको एंटर पे क्लिक करूँगा। सो देखिए हमारी यहाँ से वेबसाइट लोड हो रही है और मेरा जो पॉपअप है वो यहाँ से आ चुका है। तो चलिए इसको करते हैं टेस्ट। मैं इसको करूँगा क्लोज, यानी कि मैं फर्स्ट टाइम एक यूज़र आया है एक नए ब्राउज़र के ऊपर, उसको मेरा पॉपअप यहाँ से दिख चुका है। लेकिन मैं अब ये क्या करूँगा, दोबारा जाऊँगा शॉप पेज के ऊपर जैसे हमने पहले टेस्ट किया था इसको, तो यहाँ से कोई पॉपअप आना नहीं चाहिए। जैसे कंडीशन चल रही थी वो हमारी अच्छे से चल रही है। दोबारा चलेंगे वापसी।
लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम जब हम इस पे विजिट किए थे, वापसी विजिट किए थे, हमारा पॉपअप आ चुका था। लेकिन इसकी बार, अभी की बार क्या हुआ है, अब की बार हमारे सामने कोई पॉपअप नहीं आया, यानी कि एक यूज़र को एक ही बार में पॉपअप दिखाना था, वो हमने यहाँ से जो कंडीशन सेट की थी वो अच्छे से चल रही है। सो दोस्तों होपफुली आपको यहाँ से कंडीशन समझ आई होगी, ट्रिगर समझ आए होंगे, एडवांस रूल्स का मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ आए होंगे। ध्यान रखिए ये छोटी छोटी जो ट्रिगर के अंदर एडवांस रूल्स के अंदर चीज़ें हैं, यहीं से आपको यहाँ से लॉजिक बनते हैं आपके, जो आपको लग रहा है कि आपका सिनेरियो अलग तरीके से है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि मैं इस वाले ब्राउजर पर उस यूज़र को नहीं दिखाना चाहता, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल लॉजिक वाली चीज़ें दे रखी है एलिमेंटर के अंदर, जो कि बहुत ही कम प्लगइन के अंदर मुझे देखने को मिलती है। चलिए फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी पॉपअप की सेटिंग्स के बारे में, फिर इस वीडियो को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। जब आपका पॉपअप बन जाए, आपने यहाँ से कंडीशन, आपने रूल्स आपने सेट कर दिए, आपको यहाँ से सेटिंग पे जा सकते हो। जब आप सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ से आप इस पॉपअप की विथ को सेट कर सकते हो। अभी 640 आ रही है, मैं अगर चाहता हूँ इसको 500 करना चाहता हूँ तो ये 500 पे सेट हो जाएगा, अगर मैं चाहता हूँ 700 हो जाए तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। फिलहाल इसको मैं डिफ़ॉल्ट साइज पे ही सेट कर देता हूँ। उसके बाद बात आती है हाइट की, ये इस पे तीन ऑप्शन है, फिट टू स्क्रीन, फिट टू कंटेंट। फिट टू कंटेंट बाय डिफॉल्ट है, फिट टू स्क्रीन करोगे तो ये क्या करेगा, वर्टिकलर हाइट की अकॉर्डिंगली अपने आप को सेट करता है, जो कि गलत बात है, वो हम नहीं करेंगे। कस्टम पे करोगे तो कस्टम ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि आप अपने हिसाब से हाइट दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से फिट टू कंटेंट भी रहने दूंगा। पोजिशन की बात करेंगे, ये देखिए सेंटर पे चाहिए, राइट पे चाहिए, ऑब्वियसली बात हम सेंटर भी करेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट का भी इनका सेम ही है। उसके बाद इन्होंने कह रखा कि ओवरले चाहिए या नहीं, ऑब्वियसली बात ओवरले का यूज़ जरूर करना चाहिए पॉपअप के साथ। क्लोज बटन का इनको बताया, हमें क्लोज बटन बिल्कुल चाहिए, ये देखिए यहाँ से क्लोज बटन आ रहा है, ये सबसे अच्छी ऑप्शन है। इसके बाद कि एनिमेशन आपको कौन सी चाहिए, कि जब आपका कोई यूज़र आपकी वेबसाइट के अंदर आएगा, आपका जो पॉपअप है वो किस तरह से आना चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, ये लेफ्ट से आना चाहिए जब भी एंटर करें, और ये जूम इन करके, इसको जूम आउट करके यहाँ से चला जाना चाहिए जब मैं इसको क्लोज़ करूँगा। तो ये एनिमेशन की ऑप्शन थी, ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। इसके बाद इसके अंदर इन्होंने जर्नल सेटिंग दे रखी है, ये देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, टाइटल आ रहा है आपके पॉपअप का, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से लोगो की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से भी आप लोगो दे सकते हो। उसके बाद जो सबसे अच्छी सेटिंग होती है वह प्रीव्यू सेटिंग है, वो मैंने ऑलरेडी आपको इसी में बता दिया है, यहाँ से मैंने जब रूल आपको सेट करना बताया था, आप इस पर भी वो सेट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से आपको अलग अलग यहाँ से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ से भी पेज का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से अगर आप फाइंड करोगे होम, आपको सिर्फ 3 यहाँ से अल्फ़ाबेट डालने होते हैं, मैं यहाँ से होम डालूंगा, अप्लाई एंड प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा। तो चलिए एक बार इसको हम यहाँ से अपडेट कर देते हैं, हमने पॉपअप जितना बनाया, जितनी सेटिंग की है उसको देखते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से आया। अब इसको लाइव पे दोबारा टेस्ट करते हैं। चलिए मैं वेबसाइट को दोबारा यहाँ से लोड कर देता हूँ, और अगर आप इस बार ही देखोगे हमारा जो पॉपअप है वो यहाँ से एनिमेशन के साथ आएगा, ये देखिए ये एनिमेशन के साथ आया, बाकी कंडीशन हमने यहाँ से टेस्ट कर ली थी। सो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना बाकी यूज़र के साथ, बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर कोई क्वेरी है तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। चलिए मिलता हूँ ऐसे ही किसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।